हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। धारावी में बच दल ने राहुल शेवाले का सम्मान किया। मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। मुंबई वच दल की तरफ से 21वें वर्ष में रामनवमी के पावन पर्व पर धारावी में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। वच दल के आधार स्तंभ कहे जाने वाले धारावी के वरिष्ठ समाजसेवी भाजपा नेता एस ए सुंदर ने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजू बिटकर, दिव्या धोले, भास्कर शेट्टी, एन एस वेलू, के कुमार, श्रीनिवास शुक्ला, सचिन चिंदिरकर, अग्नि पांड्यन, कृष्ण कुमार राजपूत, संजय गुप्ता, विमलचंद जैन, मोहन शिंदे, विकास आदि को रामनामी पट्टा देकर उन्हें सम्मानित किया। और उन्होंने सभी राम भक्तों को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 600 साल बाद अयोध्या में श्रीराम का दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण से संपूर्ण भारत में सनातन धर्म को मानने वालों में भारी उत्साह है। धारावी की शोभा यात्रा में सभी पुरुष और महिलाओं के साथ नौजवान और बच्चों में भी बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम का सूत्र संचालन शशिकांत धवाल ने किया। इसके उपरांत शोभा यात्रा संत रोहिदास मार्ग से होकर धारावी मुख्य मार्ग और कामराज स्कूल से चलकर संकल्पना सोसाइटी पर रात के 10 बजे शोभा यात्रा का समापन हुआ। राम लक्ष्मण सीता और हनुमान की झांकी पर लोगों ने फूल बरसाया। जगह जगह लोगों ने श्री श्री सुंदर और महिलाओं ने दिव्या धोले को शाल पुष्पहार देकर उन्हें सम्मानित किया। दक्षिण मध्य मुंबई महायुति लोकसभा के उम्मीदवार ने श्रीराम की आरती किया। ऐसे सुंदर ने उन्हें श्री राम का फोटो और शाल देकर उनका सम्मान किया। तो आइए हम यह देखते हैं कि राम जन्मोत्सव पर उन्होंने धारावीकरों को क्या संदेश दिया, ये हम उन्हीं से सुनते हैं। ये जो कार्यक्रम है ना, 21 साल से हम लोग कर रहे हैं। ये वज्र दल करके हमारा संस्था है, उसका संस्था का अध्यक्ष है संजय चिंदरकर। ये संजय चिंदरकर, ये हमारा अध्यक्ष है। इससे पहले दिनेश अध्यक्ष था। ऐसा अलग अलग टाइम में अलग अलग अध्यक्ष थे, लेकिन मैं इनके पालक बन के ये कार्यक्रम हमेशा सफल होने के लिए और हर साल कार्यक्रम बड़ा होने के लिए कोशिश करते करते अभी यहाँ तक आया है। एक जमाना ऐसा था धारावी में तो राम नाम का कुछ भी कार्यक्रम करना बहुत मुश्किल हो गया था। जैसा धारावी हिंदुस्तान में नहीं है और किधर था, ऐसा एक जमाना था। आज तो देखो पूरा रोड में पूरा महिला भगवा साड़ी पहन के अभी ये रामनवमी का कार्यक्रम के लिए आ रहा है, तो एक नया चित्र देखने को मिला है आप लोगों को। जैसा कि भाजपा की विरोधी पार्टी कहती हमेशा से कहती रही कि मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन भाजपा ने मोदी जी के नेतृत्व में मंदिर बना दिया, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो कुछ नहीं कहने का है, क्योंकि वो हमारा विरोध तो बोलते रहेंगे ना। अभी बनने के बाद उनका मुँह कहाँ पर है, बनने के बाद बोलना चाहिए ना। वो छोड़ दो, वो तो पार्टी का नहीं बात। लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में आप इस मंदिर को लेके क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा 400 पार करने का है, क्या कहना चाहेंगे? 400 पार करने का है, उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर ये चुनाव का नहीं है। देशवासियों को ये संदेश देता हूँ कि हम सदियों से राम मंदिर के लिए कभी बनेगा उसका इंतजार कर रहा था, तो जनवरी 22 तारीख को बन गया है, उसका कुंभ हो चुका है। हम देशवासियों को ये कहेंगे, हम सब इकट्ठा रहेंगे, राम मंदिर नहीं और अनेक मंदिर हम बना सकते हैं। जहाँ पर हमारा मंदिर बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, बाकी पड़ा है, वो भी हम बना के दिखाएंगे, यही मैं देशवासियों को बताऊंगा। देखिए, हर भारतीय के लिए रामनवमी और राम, ये सारे बहुत आस्था का विषय है। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है और जिस हिसाब से राम लल्ला की स्थापना राम अयोध्या में की गई, उस विषय को लेके हर भारतीय के मन में बहुत बड़ा आनंद व्यक्त हो रहा है। और ये अब रामनवमी 3 महीने में ही आ गई है, तो ये उत्साह का वातावरण और ज्यादा है। वो पहली स्टेज थी, दूसरी स्टेज है और आने वाले हर उत्सव में हर भारतीय को उत्साहित करने का वातावरण पूरे भारत में फैला हुआ है। तो मुझे लगता है कि आज रामनवमी के दिन पे हर भारतीय के मन में बहुत आनंद है। इसका श्रेय किसको देना चाहती है राम मंदिर? 600 साल अपने भाषण में कहा कि 600 साल के बाद ये अवसर आया है, इसका श्रेय किसको देना चाहती है? ये श्रेय हर भारतीय का है
हर भारतीय इस पूरे राम मंदिर की इच्छा कर रहे थे और वो राम मंदिर का जो हमारे माननीय प्रधान जी को वो बोलते हैं कि वो देश के सेवक हैं, तो सेवक ने उसकी लीड ली और हम सब उसके साथ रहे हैं। जिन जिनों के वजह से ये राम मंदिर बना उसके लिए हर भारतीय उसमें शामिल रहा। मुझे अयोध्या में जगत गुरु आचार्य परमहंस उन्होंने बुलाया था और उन्होंने कल राम मंदिर में मेरा एक सम्मान किया। राम मंदिर में अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण होने के बाद पहली बार मैं शिवसेना की तरफ से वहां पे गया था और वहां पे मुझे सभी संत और महंतों ने धनुष बांध दिया। वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा सम्मान है क्योंकि प्रभु श्री राम जी का भी शस्त्र धनुष बाण है और उस शस्त्र के माध्यम से उन्होंने विनाशकारी शक्ति का नाश किया। तो वही धनुष बाण मुझे आशीर्वाद रूप में दिया। वो धनुष बाण मैं मुंबई लेकर आया और 2024 में सनातन धर्म के खिलाफ जो भी विनाशकारी शक्ति है उसका हम नाश करेंगे। जय श्री राम।